श्री राधे राधे। भक्तों, वे कितने भाग्यशाली होते होंगे जो विश्व के समस्त जीवों के लिए भागवत भक्ति प्रदान करने का मन में भाव रखते होंगे। आप इस बात को यूं समझिए, जैसे कोई स्वार्थ त्याग करके अपने घर और अपने परिवार के सुख से आगे बढ़कर के सबको सुख देना चाहे, उससे भी कहीं आगे की बात है कि भगवान मुझे भक्ति दें और अन्य लोगों के ऊपर भी कृपा करके भक्ति प्रदान करें। भक्तों, प्रभु की कृपा से अपने को भक्ति प्राप्त हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन और सब लोगों को भी प्रभु की कृपा प्राप्त हो, ये और बड़ी बात है। महापुरुषों के अंदर ऐसा होता है। आप लोग श्रवण कर रहे थे भैया जी की चरितावली, और मैं आपको सुना रहा था प्रभु कृपा से कि बरेली में भैया जी भगवान कृष्ण की सरस प्रेम भरी हुई अलग अलग भावों की कथा सुनाते थे, बिल्कुल निष्काम, कुछ भी उनको सांसारिक प्रलोभन नहीं था और सरल सबके सुहृद और सबके लिए कल्याणकारी भाव था। ऐसे महान थे, उदार थे और लोग उनका एक जगह जो बृहस्पतिवार का सत्संग होता था उसमें जाने लगे नियम से। एक भक्त का कहना है कि उनको बुखार हो गया था और उन्होंने किसी को पता नहीं होने दिया और बुखार की अवस्था में ही वो कीर्तन में, जो कि भैया जी भजन कीर्तन करवाते थे, उसमें वो व्यक्ति तबला बजा रहा था। तो किसी प्रकार भैया जी का शरीर उस तबले वाले के शरीर से जरा सा स्पर्श हो गया और भैया जी चौंक कर बोले, अरे इसको तो भयंकर बुखार चढ़ा हुआ। तो भैया जी का एक सेवक था, भाई राम कुमार जी लोग बोलते थे, वो तौलिया से पसीना पोंछने लगा तबला वादक का, और फिर वो उसी अवस्था में पूरा कीर्तन भजन में तबला बजाता रहा, जरा सा भी बोला नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। बाद में महाराज वो चंदौसी वापस चला गया, वहीं का रहने वाला था, और भैया जी इतने कृपालु कि उस अपने तबला वादक भक्त को देखने के लिए चंदौसी ही पहुंचे शाम को, और उनके तो पहुंचते ही जैसे प्रभु की विशेष कृपा हो गई, स्पर्श किया उन्होंने शरीर को और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया जो अतिशय भयंकर बुखार में पीड़ित था। चंदौसी में भक्त भोलानाथ वार्ष्णेय जी का परिवार, एक प्रसिद्ध भक्त परिवार, श्री भोलानाथ जी पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय उड़िया बाबा के कृपा पात्र रहे, और उड़िया बाबा और श्री हरि बाबा महाराज दोनों संतों की इस परिवार पर विशेष कृपा रही। इन संतों की कृपा का प्रभाव उनके पुत्र श्री जगदीश शरण वार्ष्णेय और उनके बच्चों पर भी पड़ा, बच्चे भी भक्त हो गए और घर में बगीचे में नित्य प्रति ठाकुर सेवा अनुराग सहित होती। श्री जगदीश शरण जी के पुत्र कृष्ण कुमार पूरे परिवार में विशेष रूप से अधिक भावुक भक्त। एक बार वो बगीची के पुजारी ब्रह्मचारी जी के साथ बाल्यावस्था में बरसाना चले आए और पुलिस को कुछ संदेह हुआ और ब्रह्मचारी जी को कहा सुनी करके हिरासत में ले लिया। बाद में जांच पड़ताल में जब पुलिस को पता चला कि नहीं, कोई बात ऐसी नहीं है जो उनको हिरासत में लिया जाए, समझाने पर खेद प्रकट करते हुए पुलिस वालों ने छोड़ दिया।
दोनों की चित्त में खिन्नता आ गई। इसी अवस्था में पूज्य भैया जी से श्रीधाम बरसाना में कदम्ब खंडी में भेंट हुई, तो कृष्ण कुमार ने चंदौसी आकर भैया जी के प्रेम भरे व्यवहार और उदार चेतना के लिए परिवार वालों से प्रशंसा की। इस प्रकार पूरा परिवार भैया जी से जुड़ गया और भक्त जी का गृह भोला भवन सत्संग का केंद्र बन गया, जहां नरोली के श्री खेमपाल सिंह जी, श्री रामपाल सिंह जी और उनके परिवार वाले भैया जी से जुड़ गए। और भैया जी नरोली से प्रेमाबद्ध होकर कई बार नरोली गए। गुमटिया के श्री कुंवरपाल सिंह जी ने भी भैया जी का सत्संग लाभ प्राप्त किया। पंडित श्री जागेश्वर प्रसाद जी के मधुर भाव से स्तने पद सुनकर भैया जी अति आनंदित होते थे। और भक्तों, पूज्य मामा श्री नारायण दास भक्त माली जी, ये तो महाराज अभी थोड़े दिन पहले तक थे, मेरा इनका बहुत साथ रहा मामा जी का। इन्होंने मुझको अपने सीताराम विवाह उत्सव में प्रवचन करने के लिए बुलाया था बक्सर में, और मैं गया था। वहां रमेश भाई ओझा की भागवत कथा थी, मेरा मानस प्रवचन होता था, और मुरारी बापू भी एक दिन के लिए आए थे, तो हम सब लोगों का थोड़ा थोड़ा साथ में प्रवचन हुआ था। तो ये मामा जी का भैया जी के साथ बहुत मधुर संबंध था, प्रेम का, भक्ति का, सत्संग का। और मामा जी कहे जाते थे नारायण दास नाम था, तो नारायण दास भक्तमाली जी का भैया जी के संदर्भ से चंदौसी शुभागमन हुआ तथा श्री गोपालाचार्य जी की कृपा पूज्य मामा श्री के अनुग्रह से चंदौसी को प्राप्त हुई। भक्तों, में गोपालाचार्य जी का भी मेरा संपर्क था। गोपालाचार्य जी के सत्संग में मैं कई जगह था, जैसे बक्सर में मेरा भी प्रवचन होता था, उनका भी होता था, और यहाँ वृंदावन में कई बार उनके सत्संग में उनके उनके पास में गया था। तो ये बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन कर रहे, दक्षिण भारत के थे, बहुत भावुक थे, बड़े प्रेमी थे, रहने वाले अयोध्या जी के थे, शरीर दक्षिण भारत का था। तो गोपालाचार्य जी की कृपा पूज्य मामा जी के अनुग्रह से चंदौसी को प्राप्त हुई। तो अब तो शरीर गोपालाचार्य जी का नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां उनके भक्तों को आज भी भावुक कर देती हैं। पूज्य मोनी बाबा और सुनाम धन्य श्री पाद जी महाराज के पावन चरण पूज्य भैया जी के अनुग्रह से चंदौसी को उपलब्ध हुए। चंदौसी में भी हरि बाबा के बांध की निकटता होने से हरि बाबा की कृपा बहुत रही, और इस प्रकार चंदौसी में संतों की यदा कदा सत्संग समारोह संपन्न होने लगे। और श्री महेंद्र जी, श्री बांकेलाल जी, श्री कृष्ण गोपाल जी और सेठ श्री कृष्णदास जी, भैया अनिल कुमार जी, बच्ची बिटिया आदि भक्तों का स्नेहमय समाज भक्ति आंदोलन के रूप में उमड़ पड़ा। भैया जी चंदौसी के सुप्रसिद्ध भक्तराज श्री जय जय राम जी से भी मिले, जिनके यहाँ श्रीमद् रामचरित मानस और विनय पत्रिका का पाठ नित्य प्रति होता था। कृष्ण कुमार जी एक अल्हड़ भावुक भक्त व्यक्ति ठहरे। इनका कामकाज अस्थिर था और चित्त में अति विखराहट थी। बाह्य और आंतरिक असंतुलन की स्थिति में पूज्य भैया जी के प्यार दुलार से आश्वस्त होकर उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया था। विवाह के नाम से घबराते थे। भैया जी ने बहुत समझाया और समय समय पर उचित मार्गदर्शन किया।
आश्वासन देते हुए कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसे भैया जी उनको समझाते थे। और डिबाई से होने वाले संबंध में पूज्य भैया जी ने डिबाई के वैष्णव परिवार की उत्कृष्टता को देखते हुए अपनी ओर से कृष्ण कुमार का विवाह संबंध निश्चित कर दिया। इस प्रकार भैया जी के आशीर्वाद से गृहस्थ जीवन भी सुरम्य हो गया। भक्तों को ऐसे संभालते थे भैया जी महाराज, और बाह्य झंझाओं से सुरक्षित करके कामकाज की भली स्थिति में ला करके रख दिया। मानस की लोक लाहु परलोक निबाहु वाणी को भैया जी ने पूर्ण रूपेण चरितार्थ कर दिया। इन सभी संतों का स्नेह इस परिवार को सदैव सहज सुलभ रहा है। भक्तों, भैया जी के कई भक्त मेरे संपर्क में भी रहे, जैसे योगेंद्रनाथ ग्रोवर जी, और श्रीपाद जी का दर्शन करने भी मैं जाता था, और ओंकारनाथ जी जिनके विषय में आपको सुना चुका हूं पहले, मुनीम बांके बिहारी के। और एक खास बात मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये जो चरितावली आप सुन रहे हैं भैया जी की, इसके लिए जिनका प्रेम भरा निवेदन था इनकी चरितावली बनाने के लिए, वो इस समय तो हमारे ठाकुर जी के सेवक हैं, राशेश्वरी रसिक ठाकुर भक्ति आश्रम में जो उनके सेवक हैं, महेश चंद्र जी मिश्र, लेकिन उस समय ये भैया जी के सत्संगियों में से एक थे, कानपुर के हैं महेश चंद्र मिश्र, जैसे नाम है इनका महेश, ऐसे भोले बाबा वाला स्वभाव भी है, सरल स्वभाव, निष्कपट, प्रभु में श्रद्धा भक्ति। तो भैया जी के सत्संगी रहे ये, वर्तमान में प्रभु कृपा से मेरे निकट हैं और मेरे ठाकुर जी के सेवक हैं। तो इनका ये भाव था, इनका मन था कि भैया जी की चरितावली बनाई जाए, उसमें साहित्यिक सहयोग भी इनका रहा। तो ये भी भैया जी के विशेष प्रेमी महेशचंद मिश्र, ये वर्तमान में भक्त परिकर में सुशोभित होते हैं। तो इन्हीं का अनुरोध था कि भैया जी का चरित्र हम सुनाएं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुझे उनकी स्मृति, अभी भैया जी के भक्तों का नाम मैं बोल रहा था भैया जी के भक्तों का नाम मैं बोल रहा था तो मुझे महेश जी की याद आ गई, श्री राधे राधे। तो प्रसंग वशात भैया जी सीसरिका ग्राम में भी पधारे, जहां पंडित रूप किशोर जी एवं जगदीश चंद्र शर्मा जैसे भक्तों पर विशेष कृपा की, और वे आज तक सक्रिय रूप से भैया के भक्त समाज से जुड़े हुए हैं। भोला परिवार की बेटी वीणा, जिसका वैवाहिक संबंध संभल निवासी श्री कृष्ण अवतार जी से हुआ, ये पूर्वतः ही चंदौसी के संपर्क से पूज्य भैया जी से जुड़ चुके थे, और इनके ब्याज से ही इनका संभल का माता पिता सहित अधिकांश परिवार ब्रज भक्त हो गया। भैया जी कृष्ण अवतार जी को कितना प्यार देते थे, अंतिम समय पर भैया जी ने नेत्र बंद किए हुए अचेत अवस्था में भी जब थे, जब कृष्ण अवतार जी आए और भैया जी को बुलाया, भैया जी ने आंखें खोल दी, इन्हें देखकर पुनः सदैव के नेत्र बंद करके महाप्रस्थान कर दिया। सभी भक्तों का ऐसा मानना है कि भैया जी कृष्ण अवतार से मिलने के लिए रुके हुए थे। भक्तों, एक भक्त का कहना है, भैया जी के एक प्रेमी भक्त का, कि लगभग 1985 ईस्वी का समय था और वो भैया जी से मिलने के लिए बरेली गए।
भैया जी के दर्शन हुए, भैया जी का शरीर अति कृष्ण प्रतीत हुआ। शीत ऋतु थी, भैया जी सबसे ऊपर वाली छत पर गए, वस्त्र उतरवा करके उनके संपूर्ण शरीर की तेल मालिश की। क्रॉनिक पेचिस से शरीर निचुड़ चुका था। इस स्थिति को देख करके भक्तों के समझ में आया कि अंग्रेजी दवाओं के स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सा अति हितकारी होगी। तो भक्तों ने आपस में सलाह किया कि उजानी वाले वैद्य पंडित श्री ओम प्रकाश जी से इस संबंध में परामर्श लेना ठीक रहेगा। तो भाई जी रामकुमार जी से विचार विमर्श किया गया, उनके समझ में नहीं आया। उनका विचार था कि भैया जी का स्वास्थ्य इतना गिरा हुआ है कि कहीं मार्ग में ही दुर्घटना न हो जाए अथवा दशा और न बिगड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करने से कलंक आ जाएगा और कन्हैया ने ले जा करके अच्छा नहीं किया। एक भक्त की चर्चा वो कर रहे थे कि वो ठीक नहीं है। फिर वो उन्होंने कहा कि बहुत रात तक समझाया कि वहां ले जाने से अच्छा रहेगा कि यहीं सेवा करो। फिर भी यही समझा लोगों ने कि वैद्य जी से परामर्श लेने में क्या हानि है। तो वैद्य जी के पास भक्त लोग पहुंच गए और संपूर्ण स्थिति सुनाई। वैद्य जी बड़े परमार्थी और उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक साधक, तो वैद्य ज्ञान भी उनका बड़ा उच्च कोटि का था और वे लब्ध प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय समाज सेवी सज्जन, और वे भक्त भी हैं, वानप्रस्थ सदगृहस्थ थे। उनका भैया जी के प्रति अति सम्माननीय पूज्य भाव था। उन्होंने स्थिति का विवरण सुनते ही आज्ञा दे दी कि भैया जी को जैसे भी बने तुरंत ले आओ और एक देव स्वरूप जी बड़े उच्च श्रेणी के अमानी भक्त थे, तो वैद्य जी ने उन्हें माता पिता भाई मित्र पति पत्नी जो भी कहें उनकी छाया की तरह अनन्य से भी भक्त रहे। और देव स्वरूप वास्तव में देव स्वरूप ही थे और उनके चले जाने पर वैद्य जी पंगु हो गए थे, तब इतना ज्यादा वैद्य जी के प्रेमी सहयोगी सेवक थे। वे वैद्य जी के लोक परलोक के सच्चे साथी थे। वैद्य जी के इस अभाव की पूर्ति हो पाना तो संभव प्रतीत नहीं होता। वैद्य जी मन ही मन उनके लिए तड़पते रहते, ऐसा सच्चा सगा स्नेही मिलना मुश्किल है भक्तों। ऐसे वैद्य जी के उद्गार हैं। सो देव स्वरूप जी को साथ लेकर के बरेली पहुंच गए भक्त लोग और भाई साहब को वैद्य जी की आज्ञा की सूचना दे दी गई कि ऐसे ऐसे वैद्य जी ने कहा है कि भैया जी को उनके पास पहुंचाया जाए। और फिर तो भक्त लोग विकल हो गए कि किसी तरह से इनको समझाया जाए। संयोग वशात उसी दिन स्वामी चैतन्य प्रकाश जी एवं सुप्रसिद्ध नगर सेठ श्री काशीनाथ जी के सुपुत्र श्री त्रिलोक चंद्र जी भी भाई साहब के यहाँ संत आतिथ्य में पधारे थे। प्रसंग उनके समक्ष पहुंच गया। स्वामी जी एवं भाई श्री त्रिलोक चंद्र जी ने स्पष्ट और दृढ़ता पूर्वक अपना मत दे दिया कि भैया जी को वैद्य जी के पास अवश्य ले जाना चाहिए। भक्तों को पहले चिंता ये हो रही थी कि इतने दूर ले जाने में कहीं भैया जी के शरीर को कष्ट न हो जाए, इसलिए अब तक नहीं ले गए थे। और अब निश्चय हो गया कि भैया जी को वैद्य जी के पास ले जाना है। कार का प्रबंध किया गया किंतु भैया जी ने कार के प्रस्ताव को नामंजूर किया और ट्रेन से जाना उचित समझा। भाई शंकरलाल श्रीवास्तव रेलवे स्टेशन मास्टर जो भैया जी के प्राण थे, उन्होंने कार से एवं रेलवे लाइन के विचार को आपस में समझा कि ठीक क्या रहेगा।
तो रेल के डिब्बे में ही सीट आसन बिछा करके उनको लिटा दिया। शरीर उस समय स्वस्थ नहीं था भक्तों। भैया जी बड़े आराम से रेलवे के द्वारा फिर उजाने पहुंचे और वैद्य जी ने समुचित व्यवस्था द्वारा अपने निजी निवास में एक कक्ष में समस्त सुविधाओं के साथ स्थान दिया उनको। और भैया जी के आश्वस्त होने के बाद वैद्य जी ने भैया जी की नब्ज नाड़ी देखी, जीभ और आंखों की जांच की, रक्तचाप भी देखा। भाई श्री गणेश जी डॉक्टर साहब जो वैद्य जी के सुयोग्य विनम्र पुत्र, वो पैतृक धरोहर के रूप में अपना सारा वैदिक ज्ञान जिन्हें वैद्य जी ने सौंप दिया हुआ, तो उन्होंने भी भैया जी के रोग की पूरी जांच की और सारी स्थिति समझ ली। वैद्य जी ने भैया जी से विनम्र प्रार्थना की कि वैसे आप हमारे सब कुछ हैं, आपकी सारी आज्ञाएं सिरोधारी हैं, किंतु इस समय आप रोगी हैं और हम वैद्य हैं, हम जैसा बताएं वैसा ही आपको स्वीकार करना है और व्यवहार में प्रयोग करना है, इसमें आप विलग न माने। भैया जी ने सहर्ष स्वीकृत दे दी और तब चिकित्सा प्रारंभ हुई। भक्तों अब उनके आगे के चरित्र को मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज भैया जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।